हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल्डीज टेस्टफुल किचन। आज देखिए हम कुछ न्यूट्रिटिव सा कुछ हेल्दी बनाने जा रहे हैं। आप इसको इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। मैंने ये अंकुरित दालें ली हैं, मोठ और मूंग है, दो चीज़ें हैं, मोठ और मूंग। एक हरी मिर्च डाल दी है इसमें, एक आधा इंच अदरक डाल दिया और आप देखिए बहुत बहुत अच्छे से ये अंकुरित हो गई हैं, है ना। और प्याज लिया है हमने कटा हुआ, थोड़ा सा डालेंगे इसमें। एक गाजर को ग्रेट कर लिया है, कटा हुआ धनिया है, कटी हुई हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2-3 टेबलस्पून हमारी शिमला मिर्च है। पनीर को हमने 2 इंच पनीर को ग्रेट कर लिया है। ये हमने चावल का आटा लिया है, 1/4 कप चावल का आटा जो रेडीमेड आता है वो लिया है। थोड़ा सा बेसन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसको मूंग को और मोठ को दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए पल्स मोड पर ना हमने बिना पानी डाले इसको ऐसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है, देख रहे हैं ना। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं, कुछ इस तरह से ना, थोड़ा दरदरा, देख रहे हैं आप। इसके अंदर हम ये सारी चीजें डाल देंगे, सब्जियां। आप ऐसे अंकुरित खाते हैं ना तो खाया नहीं जाता। 3 टेबलस्पून के करीब हम प्याज डाल देंगे इसमें। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ा काली मिर्ची पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें मैगी मसाला मैजिक डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, 1/2 टीस्पून के करीब हम इसको डालेंगे। चावल का आटा डाल देंगे 1/4 कप। और अब इसको ना हम हाथ से ऐसे अच्छे से बाइंड करेंगे, ठीक है, ऐसे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हाथ से इस तरह से हम बाइंड करेंगे। और इसमें जितना हमें चाहिए ना उतना हम बेसन यूज़ करेंगे। तो 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून में इसमें बेसन डाल रही हूँ। और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। 1 टीस्पून ना मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1 टीस्पून से भी कम ही डाला है। और बस देखिए बिना पानी डाले ना ये अच्छे से बाइंड होना शुरू हो गया है। तो हैंड वॉश करके हम हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाते हैं, देखिए आप ऐसे बाइंड हो गया है बिना पानी डाले। क्योंकि कुछ सब्जियों का पानी है, कुछ नमक डालने के बाद जब हम ऐसे मैश करते हैं ना तो ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। ये देखिए हमने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिया है। और अब हम इसको ना ऐसे टिक्की की शेप देंगे, जो भी आप शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और ना हमें ज़्यादा मोटी बनानी है ये, ना हमें ज़्यादा पतली, ठीक है। और बहुत अच्छे से ये बाइंड हो गई है, कुछ भी ऐसे खराब होने जैसा नहीं है। तो अब हम ये सारी टिक्कियाँ इस तरह से बना लेंगे। बहुत सारी सब्जियाँ हैं, सब्जी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जिस भी साइज की आप बनाना चाहें। पतली हम इसलिए रखेंगे ताकि ये अंदर से ना धीमी आंच पे बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। ये देखिए जरा भी बिखर नहीं रही है। तो इस तरह से सारी टिक्की बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पूरे मिश्रण में से ना ये 7 टिक्की बनकर तैयार है, 7 कटलेट, 7 कबाब, जो भी आप कहना चाहें। अब ये देखिए तवा हमने पहले से गर्म होना रख दिया है, इस पर हल्का सा घी लगा लिया है और इस पे हम ऐसे ये टिक्कियां रख देंगे और इनको बिल्कुल धीमी आंच पे ना आराम से सिकने देंगे। बहुत टाइम इनको देंगे सेकने के लिए, ठीक है, आराम से धीमी आंच पे। और इधर मैंने ना एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के शैलो फ्राई करने के लिए रख दिया है। 2 टिक्की मैं आपको शैलो फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो आप कैसे भी इसको बना सकते हैं,
बच्चों के लिए बनाना है ऐसे बना सकते हैं, कम ऑयल में बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। बट इनको हम बताते हैं आपको सीखने के बाद कैसी लगती हैं। ये जो टिक्की है ना, इनको हम पलट लेते हैं, देखिए, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी सिक जाती हैं। और आपको मैं इनका कलर दिखाऊं पास से, कितना बढ़िया आया है। तो ये थोड़े से ऑयल में आप इस तरह से भी सेक सकते हैं, इनको बाद में आप पेपर नैपकिन पे निकाल लें। और उनमें अभी टाइम लगेगा सिकने के लिए, क्योंकि वो बिना ऑयल के बना रहे हैं हम, नॉन स्टिक पे क्रिस्पी करनी है। ये हम इनको पलट लेंगे, देखिए बिल्कुल भी बिखर नहीं रही हैं, दोनों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। थोड़ी देर के बाद आप इनको पलटेंगे जब ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगी दोनों तरफ से, देखिए लग रही है ना बढ़िया। इनको सिकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के करीब लगेंगे। और ये जो टिक्की है दूसरी, ऑलमोस्ट हमारी तैयार है, इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए किसी के आने पे हेल्दी बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, इवनिंग स्नैक में, ब्रेकफास्ट में, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी है। तो इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये देखिए हमने टिक्कियों को जो है उलट पलट के सेक लिया है अच्छे तरह से, चारों तरफ से सिक गई हैं। अब करते हैं इनकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी ये यम्मी सी टिक्कियां बन के तैयार हैं। मैं आपको बताऊं क्रिस्पी हैं, आ रही है ना आवाज। तो ये हमारी 2 शैलो फ्राई हैं और ये हमने तवे पर सेका है, हेल्दी हैं जरूर, आप कम ज़्यादा तेल घी करके खा सकते हैं इसको, बहुत ही न्यूट्रिटिव है। तो ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और यहाँ ना मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।